जी हाँ, राइटिंग कॉपी यूजिंग चैट जीपीटी में बहुत सारा मार्केट में देख रहा हूँ कि लोग चैट जीपीटी को ले यूज़ करके कॉपी राइटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह हमने क्या कॉपी राइटिंग की है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो कॉपी जब टेस्ट होगी और मार्केट में जाएगी तो क्लाइंट का नुकसान ही होगा। लिहाजा मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि सही तरह से चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है और उसको लेवरेज किस तरह से किया जा सकता है फॉर योर मार्केटिंग और राइटिंग वट एवर कॉपी यू लाइक टू राइट। ठीक है, शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम द लैपटॉप लिविंग चैनल और आप सबको वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। आज चैट जीपीटी पे बात करनी है और हमने आज प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाके प्रॉम्प्ट्स लिख के दिखाऊंगा कि भाई क्या फ़र्क है और किस तरह से। तो आप देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करनी ये है कि अगर आपको पर्सुएशन के तरीके नहीं आते, अगर आपको सेल्स नहीं आती, अगर आपको साइकोलॉजी का नहीं पता, व्हाट गोज़ बिहाइंड राइटिंग कॉपी, वो चीज़ें फ्रेमवर्क्स नहीं पता, तो आप लिख तो लोगे चैट जीपीटी से कुछ ना कुछ, लेकिन जब वो टेस्ट होने जाएगा वो मार्केट में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर होगा भी तो वो CTRs या वो उस पर एक्शन नहीं होगा ड्राइव उस लेवल का जिस लेवल का आपको चाहिए है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक चैट जीपीटी से आपने कॉपी लिखी है तो उस पर आपको CTR आ रहा है 1% का, मिसाल दे रहा हूँ। यही अगर कॉपी राइटर लिखेगा तो वो 10% CTR रहेगा। तो ये जो फ़र्क है ना, यहाँ पे बिजनेसेस मेक और ब्रेक होते हैं, यहाँ पे फैसले होते हैं कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड मार्केटिंग कौन कर सकता है। वो बंदा कर सकता है जिसके CTRs अच्छे हैं, या वो बंदा कर सकता है जिसके CTRs गंदे हैं, ज़ाहिर है। ठीक है, तो आज इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की हमने बात करनी है वो है प्रॉम्प्ट्स की। एक आम बिजनेस ओनर किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखता है जिसको फ्रेमवर्क्स और इन चीज़ों का नहीं पता, वर्सेस एक टोंड और होंड कॉपी राइटर, एक जेडेड कॉपी राइटर जब बैठता है प्रॉम्प्ट लिखने तो वो कैसे लिखता है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि एक अगर आम बिजनेस ओनर लिखेगा तो वो किस तरह से लिखेगा। मेरी स्क्रीन पे आए, जी अब ये देखें कि एक ऐड हमने चैट जीपीटी से लिख लिया है। अब जब तक आपको पर्सुएशन और आपको स्ट्रेटजी नहीं आती, साइकोलॉजी, आप इसको कन्वर्ट नहीं करवा पाओगे। हो सकता है ठीक है आपका ऐड चल पड़े, आपको बेहतर रिजल्ट, एवरेज रिजल्ट आ जाए। कोई भी जूनियर कॉपीराइटर जो आप हायर करते हो ना, बहुत कम पैसों पे, 1-2 रुपए पर वर्ड पे, हो सकता है कि उसके बराबर का आपको इससे भी रेट कर उसका CTR का मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टिल जो बड़ा ज़्यादा CTR है या जो जिस तरह से एक अच्छा कॉपी राइटर लिखता है, वो आपको रिजल्ट लेने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस, अब इट स्टार्ट्स ऑफ विद लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज दैट आर एज यूनिक एंड वेल क्राफ्टेड एज यू आर। ठीक है, गिवन दैट वी आर टारगेटिंग अ पाकिस्तानी ऑडियंस, आई थिंक दिस हुक विल सफाइस। पाकिस्तानी ऑडियंस को के लिए ये सही है। हमारी जो मार्केट है वो काफ़ी कंज्यूमरिज्म पे ड्रिवन है, तो हमारी मार्केट को ऑफर्स और ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट, चूंकि सिंस वी आर इन अ प्रिडोमिनेटली उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस, तो अक्सर जो मुश्किल अल्फाज या मुश्किल आइडियाज़ है ना, वो लोगों को राइट अवे समझ नहीं आते। तो इसको थोड़ा अभी भी आई बिलीव कि इसमें चेंज करने की हमें ज़रूरत है, और इसमें थोड़ा इसको आसान बनाने की ज़रूरत है, और इसको थोड़ा और अगर हम कैची बना सकें किसी तरह से, वो करने की भी ज़रूरत है। तो फॉर इंस्टेंस, इफ इट सेज लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज दैट आर एज यूनिक एंड वेल क्राफ्टेड एज यू आर, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं कि किसी इवेंट के अराउंड बेस कर सकते हैं। अगर कोई ईद का इवेंट करीब है, या अगर कोई कोई भी इवेंट करीब है, शादियों का सीज़न है, तो वी गो विद दैट स्ट्रैटेजी के यार इसको फर्दर टारगेटेड बनाने के लिए। टाइम ऑफ द ईयर और ऑडियंस पर्सोना, कि किस तरह के लोगों को हम जूते बेच रहे हैं द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, इसको वी कैन स्टिल मेक इट मोर टारगेटेड एंड यूज सिंपलर लैंग्वेज है। लुक नो फर्दर विद क्राफ्ट्समैन लेदर, दिस इज ये जेनेरिक है, ये मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। इसको हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, देखो ये एक ना क्रेडिबिलिटी बूस्टर है। ठीक है, तो हम इसको एंड पे इसकी जरूरत है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। हमने चूंकि चैट जीपीटी को कहा है कि ये चीज़ बताओ,
तो उसने बताई है, लेकिन उसकी पोजीशन बड़ी जरूरी है। ईच पेयर इज क्राफ्टेड विथ केयर यूजिंग, ठीक है, अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। व्हाट आई वुड डू इज, सिंस दिस इज एन ई कॉम एड, आई वुड प्रेफर कि इसमें अगर हम बुलेट्स ऐड कर दें, तो मैं अपने इमोजी कीबोर्ड पे जाऊंगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ अपने कीबोर्ड पे, तो ये एक्सटेंशन कर लो थोड़ा ज़रा, कॉपी में आप जब कॉपी लिखते हो तो उसमें आपकी ये इमोजीज वगैरह भी ऐड कर पाओगे, उससे थोड़ा ज़रा आप क्लाइंट को आसानी होती है आपके काम को उस तरह से देखने में जिस तरह से आप उसको दिखाना चाह रहे हो, विजुअलाइजेशन में हेल्प होती है। तो व्हाट आई'ल डू इज आई'ल चेक, लिखूंगा ये चेक मोड आ गया, कोई भी इमोजी यूज़ कर लो। फॉर इंस्टेंस मैं शू का इमोजी देख लूँ, शू, ठीक है, ये एक शू का आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ इमोजी डाल दिया। फॉर इंस्टेंस ऐसे इमोजी यूज करने चाहिए, मॉडर्न मार्केटिंग में किए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं होना है उस पर आपने। तो ये क्या कहेगा जी, ये आ गया हमारा, उसको उसको रीज़न दे रहा है वो, अटेंशन टू डिटेल, सुपीरियर क्राफ्ट्समैनशिप, लॉन्ग लास्टिंग। इसमें जाहिर है यू हैव टू डू, आपने यकीनन हमने तो रिसर्च किए बगैर ही सब उसको कह दिया ना चैट जीपीटी को, एंड दिस इज समथिंग मोस्ट बिजनेस ओनर्स डू टू बिगिन विद, के वो रिसर्च किए बगैर ही कॉपी लिखने बैठते हैं। तो अब हमें नहीं पता कि ये ऑडियंस ये चीज़ें ढूंढ भी रही है या नहीं ढूंढ रही, ऑडियंस क्या ढूंढ रहा है ये आपको रिसर्च से पता लगेगा कि ऑडियंस को वाकई अटेंशन टू डिटेल चाहिए भी या नहीं चाहिए। हाँ, ये तो यकीनन चाहिए होगा, इम्प्रेशन भी चाहिए होगा, लेकिन उनको एट द सेम टाइम वो भी चाहिए होगा ना ड्यूरेबिलिटी, उसका कहीं जिक्र नहीं है इसमें। तो मे बी वी कुड ऐड दैट, इसमें जाहिर है आप सेंटेंस को प्रॉपरली यू कैन वर्ड इट और इसमें आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये मेक श्योर करें ये ऑड नंबर्स होने चाहिए, 4, 6, 8 नहीं, 3, 5, इस तरह से ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो एक और भी आप ऐड कर दीजिएगा। अब ये देखें, ये अच्छी चीज़ है कि उसने कॉल टू एक्शन दिया है, सो वाई वेट की ज़रूरत नहीं है मुझे इसको, जस्ट रिमूव इट। लेकिन ऐसी चीज़ें हमने कॉपी में ऐड नहीं करनी होती जो कॉपी को मुफ्त में उसको बड़ा बना रहे हो, लेंथी कर रहे हैं, उसको हटा दें। और इसमें कुछ और ऐड करना है, इफ़ यू बाय नाउ वॉपिंग X%, जो भी डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, जो भी ऑफर चल रही है वो भी शेयर की जाए, ताकि कॉल क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हो। अब थोड़ा थोड़ा ना मुझे ये और ये रेपिटेटिव रेपिटेशन लग रही है, ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। अब ये हमने एक चैट जीपीटी के ऐड को ये बना दिया, दिस टेल्स अस के चैट जीपीटी से आप लिख तो लोगे, लेकिन अगर आपको पर्सुएशन और आपको नहीं पता कि ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट करती है, ऑडियंस को किस तरह के एड्स पसंद आते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके एड्स एड में वो जान नहीं होगी जो आप चाह रहे हो, उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा जिस तरह से आप चाह रहे हो। इसी वजह से मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि अच्छे अच्छे कॉपी राइटर्स को हायर किया करें, वो आपसे बेशक चैट जीपीटी से लिख लें इश्तेहार आपका, लेकिन दे'ल एटलीस्ट नो व्हाट टू कीप इन द एड एंड व्हाट टू रिमूव, बिजनेस ओनर्स को नहीं पता होता। तो ये एक तरीका है ना जी। अब जो हमने अभी ये प्रॉम्प्ट लिखा था एआई से और उसने जो क्रिएट किया था, अब दिस वाज अ बिजनेस ओनर जो जिसको नहीं पता इतना ज़्यादा कॉपी राइटिंग और पर्सुएशन का, वो ये लिख रहा है। अब सपोज करो अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना अच्छा आता है, जितना आप अच्छा फीड करते हो उसको उतना अच्छा आपको रिजल्ट देता है चैट जीपीटी। अब सपोज करें कि मैंने यही एड लिखना है और मैं एक कॉपी राइटर हूँ, तो मैं इसको क्या प्रॉम्प्ट दूंगा? अब देखिए जी, अब ये हम लोगों ने लिखा है और अब देख लेंगे फ़र्क क्या आता है और किस तरह से होता है। इसमें हमने पेन पॉइंट्स टारगेट किए हैं, इसमें हमने उसको उसके मेन फीचर्स हाईलाइट किए हैं, उसके अलावा हमने उसको टोन भी बताई है क्या रखनी है, और इसके अलावा हमने उसको ऑफ़र भी बताई है कि ऑफ़र आपकी क्या होनी चाहिए,
फिर इस तरह से जब आप पूरा उसको प्रॉम्प्ट अच्छा देते हो तो वो ऐड भी अच्छा लगता है। अब इसमें इमोजीज मुझे नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ ऐड। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने ऑडियंस को नैरो डाउन किया हुआ है और ये एक बहुत ही टेलर्ड ऐड बन रहा है फॉर ईद, और ईद के लिए जिन्होंने शॉपिंग करनी है उनके लिए। क्योंकि देखें व्हेन इट कम्स टू दीज ब्रांड्स तो इनका ईद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न होता है, और वो उसमें हम ये कर लेते हैं कि अभी जिस तरह ये वीडियो चूँकि इन दिनों में बन रही है तो मेरे जहन में भी यही आया कि हम ईद के ही अराउंड उसको टेलर कर लें। और अगर आप ईद के सीज़न के अलावा लिख रहे हो तो दिस कैन बी टारगेट टू द वेडिंग सीज़न, दिस कैन बी टारगेट टू यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रेजेंटेशन हो रही होती हैं, उसको बड़ा टारगेटेड होना चाहिए आपको। आपने जेनेरिक नहीं जाना है, बहुत जेनेरिक जाओगे तो फिर पछताओगे। ठीक है जी, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स का रूल है। ये हो गया, अभी मैं इसको कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ये लास्ट ऐड है। लेट मी, अब देखो हमने दो ऐड बनाए हैं। अब आप क्लाइंट को दो ऐड दोगे उसका दिल तो खुश होगा ना। आपने बेशक ये यहाँ से लिखो, अब देखो ये उसने बताया। खैर अब इसमें बहुत ज़्यादा इमोजीज डाल दिए हैं, इनको कम भी कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट वी हैव अ बेस टू स्टार्ट ऑफ विद। ये वर्जन 2 है ये नीचे, क्योंकि मेरा बेसिस टू वेयर दिस चीज में एक स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज समवॉट जेनेरिक, आई वुड नैरो दिस डाउन। ठीक है, ये मेकिंग अ स्टेटमेंट जो है ये आई गेस मर्दों की नेचर नहीं होती इस तरह की मेकिंग अ स्टेटमेंट वाली, जिनकी होती भी है तो वो दे डोंट डब इट दिस वे, दे डब इट इन अदर वेज। वो ऑरा और उस चीज़ के ऊपर होता है। खैर लुक नो फर्दर, अब देख रहे हो ये लुकिंग और लुक आ गए, ये रेपिटेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको इसको ठीक करेंगे, ये रेपिटेशन है, ये मेरे स्पेलिंग है। थैंक यू, ऑटो करेक्ट हो गया मेरा। और द शीप लेदर एंड लाइक, ठीक है, दिस दीज आर टू बेनिफिट्स आई वुड रादर हाईलाइट दैन लाइक दिस। और ये देख रहे हो इस तरह कर लिया, इसमें से मैं ये बकरा रहने देते हैं, बाकी हटा देते हैं। ठीक है, नेवर बीन अ बेटर टाइम टू शॉप, आई वुड रादर रिमूव दिस। ठीक है, वाई वेट, ठीक है, दिस इज स्टिल अ बेटर एड देन वॉट वी हैड बिफोर। ठीक है, आई बिलीव इसमें हम अपने मेन पावर स्क्वायर ऐड करें। अमूमन आप यहाँ ना अपने टेस्टिमोनियल भी ऐड कर दो, यहाँ पे टेस्टिमोनियल भी ऐड कर दो ना, तो बल्ले और बल्ले हो जाए आपकी, आपका वो ऑब्जेक्शन शटर करनी होती है ना बेसिकली हमने। ठीक है, बाकी कॉल टू एक्शन ठीक है। आए जी, दिस ही डोंट सेटल फॉर, वेरी गुड, आई लाइक दिस ऑलरेडी। ये होती है बात। अब थोड़ा ना दिल को मुझे करा रहा है ये देख के, ये अच्छा लिखा है इसने, मतलब एक इंगेजिंग सा। और ये देख रहे हो गया चूज गया हूँ। ठीक है, अगेन दोज टू फीचर्स जो हमने हाईलाइट करा। आप ज़्यादा फीचर हाईलाइट करोगे ज़्यादा कर लेगा, जिस तरह हमने यहाँ खुद लिखे थे वो ऑटोमेटिकली आपको लिस्ट बना देगा। और देर आर अ थाउजेंड वेज यू कैन डू दिस। ठीक है, ये बस एक आपको एक तरीका बताना है। ठीक है, गुड एड, फेयर इनफ। अब इसमें ऑब्वियसली यार बहुत रूम भी है इम्प्रूवमेंट का, बहुत चीज़ें की भी जा सकती हैं। बहुत अगर मैं ये ऐड लिख रहा होता इसमें, मैं ऑडियंस अवेयरनेस लेवल को कंसिडर कर रहा होता, मैं आपकी ब्रांड की प्रेजेंस को कंसिडर, बहुत सारी चीज़ों को मैं कंसिडर कर रहा होता जो शायद हम चैट जीपीटी पे उस तरह से इम्प्लीमेंट ना कर पाए। लेकिन बट नाउ फॉर अगर पाकिस्तानी ऑडियंस को आप देखते हो तो आई गेस दिस विल वर्क एज वेल। क्यों, पाकिस्तानी मार्केट जो है वो भी इन्वॉल्व हो रही है कॉपी राइटिंग और इन चीज़ों को लेके, और स्पेशली ई कॉम में, तो आई गेस दिस इज़ गुड टू गो। पाकिस्तानी अगर आपने इसको यूज़ करना है फॉर गेट इन ऑर्डर टू गेट एवरेज सी टी आरस, तो फिर आप ये यूज़ कर लो चैट जीपीटी को। लेकिन अगर वाकई इम्पैक्ट क्रिएट करना है और मार्केट को हिलाना है तो फिर भाई आपको कॉपी राइटर की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपने दोनों का कंपैरिजन देख लिया होगा कि एक सादी प्रॉम्प्ट से क्या रिजल्ट आ रहा है वर्सेज एक कॉपी राइटर की लिखी हुई प्रॉम्प्ट से क्या फ़र्क आ रहा है। तो कल को आई सी दिस हैपनिंग के बिजनेस ओनर्स जो हैं वो भी कॉपी राइटर्स को ही हायर करेंगे कि भाई अच्छी सी प्रॉम्प्ट लिख के अच्छा सा ऐड लिख के दे दो, बनिस्बत बजाय इसके कि वो खुद लिखें। और उनको इम्पैक्ट भी वही नज़र आएगा जब कॉपी राइटर बैठ के प्रॉम्प्ट लिख रहा होगा और
उसको वेरीफाई कर रहे होगे कि ये चैट जीपीटी ने जो लिखा है वो वारे आता है और वो अच्छा और वो कन्वर्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसे वैल्यू मिली होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।